रास्ता पक्का ना होने पर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। मुड़ापाड़नी ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत मेहंदी रामपुर भीला गांव के हिंदू समुदाय के लोगों ने शमशान घाट को जाने वाले कच्चे और कीचड़ भरे रास्ते पर शव रख कर रोष जताया। साथ ही रास्ता पक्का न होने पर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए और मुर्दाबाद की भी। ये मामला क्या है, मैंने पहली बार देखा ये शमशान, जो कि ना यहाँ निकलने को रास्ता है ना ही शमशान की जगह सही है। ये इतने लोग परेशान हैं, कभी नीचे उतार के लेके आते हैं अर्थी, कभी कंधे पर रख लेते हैं, कभी दो लोग लेके चलते हैं, कभी चार लोग लेके चलते हैं। ये बहुत गंभीर स्थिति है यहाँ की। क्या कभी किसी अधिकारी से लिखित में दिया इन्होंने, किसी अधिकारी को दिया? ये इन्होंने प्रधान जी बता रहे हैं पहले भी दिया था, लेकिन सुनवाई इनकी सुनवाई कहीं नहीं। ये बता रहे हैं कि 20 साल से रास्ता खराब पड़ा है, क्या किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं करी? सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पे तो आने जाने में काफी परेशानी पड़ती है। अभी परेशानी है, बहुत परेशानी। मैं भी जूते उते सब निकाल के लेके आया हूँ। अभी इन लोगों ने रास्ते में रखकर डेड बॉडी को प्रदर्शन किया, किस लिए किया? इसी रास्ते के मामले में कहा है, इसी रास्ते के मामले में कहा। तो अब क्या मांग चाहेंगे आप सरकार से? तो यही है कि ये रास्ता चार दीवारी हो, शमशान पक्के बनने चाहिए इनके, और जो बरसात में कभी समस्या ना हो, ये रास्ता होनी चाहिए। आपने लिखित में दिया है? हाँ, इन्होंने लिखित में दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शमशान घाट गांव के बराबर में है, कई बार शमशान घाट के रास्ते के लिए ब्लॉक अधिकारियों और ग्राम प्रधान से कह चुके हैं, पर आज शमशान घाट के रास्ते की तरफ किसी भी ब्लॉक के अधिकारियों ने सुध नहीं ली। आज गांव में एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर जब उस शव को मुखाग्नि देने के लिए शमशान घाट के लिए जैसे ही निकले, रास्ते में कीचड़ भरी थी, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और शव रख कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान ने क्या कहा, ये सुनते हैं। मामला ये है, हमारे जो ये हिंदू भाई हैं, कश्यप हैं, प्रजापत हैं, और इनमें भुर्जी हैं, सभी लोग हैं, जाति हैं, इनके जो शमशान घाट हैं वहाँ के लिए रास्ता बहुत खराब है। कब से खराब है रास्ता? ये लगभग 5 साल पहले इस लड़के के पिताजी की मृत्यु हुई थी, तो भी यहाँ 2-2 फीट पानी था और गारा था 1 फीट, लाने में परेशानी हुई। इसमें सरकारी अधिकारी आए, पुलिस भी आई, लेखपाल भी आए, सीओ भी आए, मैं किसी ने आज तक कोई देखभाल नहीं की। आज भी उसी शख्स का बेटा मरा है और इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि अब भी गारे में निकलना पड़ रहा, बहुत मुसीबत के साथ। तो क्या आपने किसी अधिकारी को इसमें लिखित में दिया आपने? हाँ, पीछे दिया था, पीछे भी दिया, पीछे दिया था, मगर किसी ने कोई बात हमारी नहीं सुनी। ये रास्ता कब से पड़ा हुआ है खराब? ये लगभग इसे तो 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से किसी प्रधान ने किसी ने कोई सही नहीं कराया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। हमारा ये कहना, हमारा ये राष्ट्रीय रास्ता करा दिया जाए, जो हमारे इनकी जनता के, हमारे इन आदमियों की समस्या का समाधान हो। अब क्या मांग करना चाहेंगे सरकार? और मांग ये, हमारी ये रास्ता हो जाए और हमारा शमशान घाट है वो बनना चाहिए। आपको आने जाने में काफी परेशानी होती होगी। बहुत समय बना हुआ, इसी मेहंदीरामपुर ने बनाया है। साथ ही अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कब जाकर गाँव वालों को इस समस्या से निजात मिलेगी।